नमस्कार एबे आसंतु टॉप 5 रे संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा भांगी जीवो कि महाराष्ट्र रो उद्धव सरकार संकट रे महाराष्ट्र सरकार शिवसेना रो 22 रो अधिक विधायक सूरत रे पहुंची छंती समस्त विधायक एक होटल रे थिबा सूचना मिली छि। एकनाथ सिंधे को नेतृत्व रे विधायक माने सूरत रे पहुंची छंती। सिंधे प्रेस मीट करिवे से बीजेपी संपर्क रे थिबा नै चर्चा हेउ छि। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जरूरी बैठक डाकी छंती। विधान परिषद निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग होइथिला। प्राय 8 जन विधायक क्रॉस वोटिंग करिथिले फलरे नंबर थिबा सत्वे कांग्रेस प्रार्थी निर्वाचन हारी छंती। याकु नै कांग्रेस रो शीर्ष नेतृत्व असंतुष्ट अछंती। सेति पई दल रे विद्रोह आरंभ होइछि। एबरे महाराष्ट्र विधानसभा रे समुदाय आसन 288 शिवसेना नेतृत्वाधीन महाविकाश अघाड़ी सरकार पाखरे रहिछि 171 विधायकक समर्थन। शिवसेना पाखरे 57 एनसीपी पाखरे 53 कांग्रेस पाखरे 44 बहुजन विकास अघाड़ी पाखरे 3टी समाजवादी पार्टी रो 2 प्रहार जनशक्ति पार्टी रो 2 जन विधायक अछंती। सेई भली पीडब्ल्यूपीआई रो जणे एवं 8 जन स्वाधीन विधायक रहिछंती। सरकार रे तिष्ठि रहिबा पई 145 आसन दरकार। बीजेपी रो 106 विधायक थिबा बेले 7 स्वाधीन एवं अन्य विधायकक समर्थन रहिछि। जदि शिवसेना रो 20 विधायक बीजेपी को समर्थन करंती तेबे मध्य बीजेपी पई सरकार गढ़िबा एते सहज हेबो नाही। कारण शिवसेना रो 20 विद्रोही विधायकक मिसाइले बीजेपी पाखरे 133 जन विधायकक समर्थन रहिबो। सरकार गढ़िबा पई बीजेपी को आहुरी 12 विधायकक समर्थन आवश्यक। एबे जानिबा एकनाथ सिंधे किए। एकनाथ सिंधे शिवसेनार जणे टाणुआ नेता तथा वर्तमान रो कैबिनेट मंत्री थाने रु विधायक अछंती। एकनाथ थाने समेत अनेक स्थान रे शिवसेना को मजबूत करिवारे तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। एकनाथ को प्रति लोकंक प्रबल समर्थन रहिछि। शिवसेना रे बड़ कार्यक्रम आयोजन करिवार दायित्व मध्य तांकर। 2014 रे शिवसेना को अलगा होई निर्वाचन लड़ैथिले मध्य तांकु विरोधी दलर नेता करा जाय नथिला। एकनाथ सिंधे को पुओ श्रीकांत सिंधे शिवसेनार सांसद भाई प्रकाश सिंधे काउंसिलर अछंती। किछि दिन हला एकनाथ को दलर एकपाखिया करि दिया जायथिबा चर्चा हेउथिला। सेथिपई एकनाथ नाराज रहिछंती। सबु राजनैतिक दल सहित मध्य तांकर भल संपर्क रहिछि। तेरे महाराष्ट्र राजनीति ने अधिक सूचना पाई आम मुंबई आम प्रतिनिधि जोड़ वासीम अंसारी। वासीम अभी का सिनारियो को किस तरीके से देख रहे हैं? तीन पहलू है। पहला तो सरकार गिर सकता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बना सकता है मैजिक नंबर छुएगा तो, तीसरा ये सरकार कंटिन्यू कर सकता है। अभी का सिनारियो को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से लगातार सुबह से ही एक अलग राजनीति साफ तौर पे दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, और इसका जो बिंदु केंद्र बना हुआ है वो है गुजरात का सूरत। सूरत में एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। इनका दावा है कि लगभग 35 से ज़्यादा जो विधायक हैं उनके समर्थन में, तो वहीं शिवसेना का दावा है कि लगभग 35 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। 16 से 17 लोग गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने दोपहर में बैठक ली थी। उस बैठक में के बाद दो जो शिवसेना के नेता हैं, मिलिंद नार्वेकर जो काफ़ी अहम कड़ी निभा सकते हैं, और दूसरा रविंद्र फाटक जो एकनाथ शिंदे के काफ़ी करीबियों में से एक थे, ये दोनों ही नेता सूरत पहुंचे हैं, ले मेरिडियन के लॉबी में पहुंचे हैं, लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं हुई। सीएम का संदेश लेके गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो सीएम के करीबी हैं या फिर संजय राउत हैं, उनका कहना था कि अगर एकनाथ शिंदे को किसी बात की परेशानी थी तो उन्हें कोई चीज़ का डिमांड था तो उन्हें बोलना चाहिए था, और इस तरह से बातें करके हल निकाला जा सकता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी अलग थलग दिखने लगी थी। जब बीजेपी के पास आंकड़े नहीं थे उसके बावजूद वो राज्यसभा की तीनों सीट जीत जाती है, विधान परिषद की 5 सीट जीत जाती है, जो 20 से 25 नंबर्स जो आंकड़े थे जिसमें वोटिंग की जाती है विधायकों द्वारा, वो उनके द्वारा की जाती है। एक ज़माना एक ऐसा वक्त था जब उनके पास 106 विधायक और प्लस जो उनके निर्दलीय विधायक उनको मिला के उनकी संख्या 113 हुआ करती थी, लेकिन अब जो MLC में जो सामने नतीजे आए उससे साफ साबित होता है कि 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिला है। तो ये विधायक आए कहाँ से, सबसे बढ़िया सवाल उठ रहा था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने देर रात विधान भवन से निकले और गुजरात पहुँच गए, उनके सहयोग
सहयोगी जो दल के जो विधायक थे वो भी आनन फानन में अपने लगेज लेके गुजरात पहुंच जाते हैं और सुबह इस तरह की खबरें आने अपने आप में चौंका देने वाली बात है। और जिस तरह से अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे अपने आप में एक बड़े नेता शिवसेना के माने जाते हैं और वो विरोधी पक्ष नेता के तौर पर भी शिवसेना में काम कर चुके हैं, कई बड़ी पोजिशन पर रहकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सूत्र बता रहे हैं कि वो नाराज थे नज़रअंदाज करने की वजह से, लेकर जिस तरह से राजनीति में आदित्य ठाकरे का कद बढ़ रहा था और हर चीज़ में इंटरफेयर किया जा रहा था उसे लेकर भी एकनाथ शिंदे नज़र आ रहे थे। उनके कामकाज को भी लेकर सवालिया निशान उठने लगे थे और किस तरह से उनके खाते में भी इंटरफेयर किया जा रहा था। साथ ही जो उनके साथ विधायक गए हैं उनकी भी शिकायतें ये थी कि उन्हें जो विधायक फंड मिला जाता है वो नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक अब सरकार बनाने की बात है तो इस वक्त किंग मेकर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। अगर उनके पास 35 से 37 विधायक आ जाते हैं तो काफ़ी आसानी से अगर वो चाहें तो एक गठबंधन की सरकार बना सकते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि आंकड़े पूरे हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए। या फिर या बीजेपी के साथ नहीं आते या अलग दल बनाते हैं तो एक अल्पमत की सरकार फिलहाल तो चल सकती है महाराष्ट्र सरकार में, लेकिन कितना दिन चलेगी ये बात कहना भी मुश्किल है। ये जो मामले हैं ये अभी एकनाथ शिंदे के निर्णय पर होता है कि किस तरह के वो डिसीजन लेते हैं, उसके बाद इन सब पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये जगह से कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ स्वाति लोखंडे भी हैं, उनसे हम अभी का ताजा अपडेट ले लेते हैं। स्वाति, अगर देखेंगे तो बीजेपी की कैंप की तरफ से अपडेट क्या है, बीजेपी कैंप किस तरीके से देख रहे हैं अभी का ये जो सिनारियो चेंजेस हो रहा है इसको? देखिए, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की भूमिका में बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग हैं, लेकिन जो कि देवेंद्र फडणवीस है जो सुबह ही दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली में उनकी बातचीत जारी है। और इस वक्त अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना की ओर से ग्रुप लीडर बदलने को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर सिर्फ 17 MLA के साइन है और ये कहानी बयां करता है कि उद्धव ठाकरे के जो केवल 17 MLA उनके साथ है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा पता नहीं चल पा रहा था कि एकनाथ शिंदे के साथ, हालांकि अभी इस वक्त कितने लोग हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके साथ इस वक्त 29 ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ गए, लेकिन सात ऐसे भी MLAs हैं जो कि उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त महाराष्ट्र में है से ही, लेकिन उनका सपोर्ट है एकनाथ शिंदे को। और इसके बलबूते पर यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी सारे बदलाव आने की आशंका है। आज शाम तक की राह देख रहे, या फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और 2 दिन तक रुक सकते हैं, जो कि हमने शिवसेना में देखा कि काफी बड़े निर्णय अगर कोई लेता है उसमें एक अहम हिस्सा होता है मिलिंद नार्वेकर का, जो कि खुद सूरत गए थे बात करने के लिए, लेकिन उनसे एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पाई। और इसी बात का ये संदेश देता है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ शायद किसी से बात नहीं करेंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक नई पार्टी का वो निर्माण करे, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ सत्ता में आए। या अलग अलग यहाँ पर इस वक्त जो है रास्ते हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब ये देखना होगा कि क्योंकि कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद PC करेंगे और उन्होंने ऐसा रुख क्यों अपनाया ये वो स्पष्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ देर पहले यानी कुछ घंटों पहले उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथी है वो, और वो कट्टर शिवसैनिक है, यानी वो अपने मन से शिवसैनिक है और वो शिवसेना के साथ ही रहेंगे। लेकिन उनका ये कहना है आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, जो कि वसीम आपको बता रहे थे कि किस तरह से काफ़ी नाराज़ी थी उन्हें CM के साथ उनका बात ना होना, या फिर जो बाकी MLA है वो भी काफ़ी CM से नाराज़ थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए या फिर इसी बात को आगे लेते हुए एकनाथ शिंदे जो है MLAs के साथ अब सूरत जा चुके हैं, जहां पर बीजेपी के काफ़ी जो MLA हैं यहां के वो भी पहुंच चुके हैं। उन्हें एंट्री होटल में मिलती है, लेकिन मिलिंद नार्वेकर को एंट्री नहीं मिलती उस होटल में, ना ही उनकी एकनाथ शिंदे से बात होती है। और बस यही काफ़ी है कहानी बयां करने के लिए कि आखिर शिवसेना में किस तरह से जो है अंदरूनी इस तरह से 2 गुट पाए गए हैं। हम अगर पिछले कुछ दिनों के पावर का रोल क्या रहेगा, कुछ ही देर पहले जब शरद पवार की मीटिंग हुई थी, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जब तक शिवसेना की ओर से कुछ कहा नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हमें पता है कि उनकी और संजय राउत की बात हो चुकी है, जो कि संजय राउत के मुद्दे को लेकर भी एकनाथ शिंदे नाराज है। जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन की जिम्मेदारी हालांकि ग्रुप लीडर को देनी चाहिए उसके बजाय संजय राउत को दी गई थी, और इसी जो मतलब पिछले कुछ दिनों से जो नाराजी थी उसका ये अगर हम कह सकते एपिटोम था। और उसके बाद
एकनाथ शिंदे जो है इस तरह से एमएलए को लेकर साथ सूरत गए हैं, तो शरद पवार की हमेशा ये भूमिका होती है कि सरकार को बरकरार रखना, एक साथ जुड़े हुए रखना, तीन पार्टी की जो कि सरकार है उनमें समन्वय बनाने का काम जो है वो शरद पवार करते थे, लेकिन अब कुछ अलग दिखाई दिया है। जैसे हमने विधान राज्यसभा इलेक्शन में देखा, अजित पवार को लेकर शिवसेना में काफ़ी नाराजगी थी, और अब जो कि इस इलेक्शन में हमने देखा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के जो दो उम्मीदवार थे उनके वोट बढ़ गए, लेकिन शिवसेना के वोट इस तरह से इतने कम हो गए कि बीजेपी 133 वोट्स मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। और इसी बात को लेकर जो है पिछले कुछ दिनों से अनबन था तीन पार्टी की सरकार में, कांग्रेस भी नाराज थी। कांग्रेस का ये कहना था कि जो एनसीपी है अपनी पावर बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फंड ना देना, शिवसेना की ओर से फंड ना देना या फिर उनकी काम ना होना, इस तरह से नाराजगी हमें दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब जो नाराजगी किस तरफ जा रहा है, कौन सा मोड़ ले रहा है, उसके ऊपर ही नजर रहेगा। शुक्रिया स्वाति आपकी जानकारी के लिए। वसीम आप ये बताइए, एकनाथ शिंदे के ऊपर अभी सब कुछ टिका है, अगर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं तो ये सरकार रहेगा, नहीं तो ये गिरेगी, ये तय है कि एकनाथ शिंदे ने जो भूमिका ली है बहुत ही सोच समझ के भूमिका ली है, क्योंकि ये निर्णय लेना एक या दो दिन की बात नहीं, इससे पहले ही इस पूरे तरीके की रणनीति तैयार की गई थी, उस रणनीति के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। जिस तरह से राज्यसभा में चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद एमएलसी के चुनाव होते ही जो विधायक होटल में रुके थे रात भर, एकनाथ शिंदे उनके साथ थे, विधान भवन में आते हैं, इसके बाद वही विधायक उनके यहाँ से सूरत की तरफ चले जाते हैं, और सूरत ही क्यों, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, और जिस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीके पाटिल वो सूरत से ही बिलोंग करते हैं और वो वहाँ से सांसद भी है, तो एक ताकत साफ तौर पे दिखाई दे रही है, पावर बीजेपी की है। कई जो मुंबई के बड़े नेता हैं वो गुजरात पहुँच चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस अहमदाबाद पहुँच रहे हैं, पहले दिल्ली गए, दिल्ली से अब अहमदाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी चर्चा बड़ी ज़ोर से चल रही है किस तरह से आगे की रणनीति तय करना है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब सरकार बनने से पहले जब बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ी थी, उसके बाद अलग हुई, तो बीजेपी ने एनसीपी के अजित पवार के साथ सुबह के वक्त में शपथ ली और ये सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार कुछ घंटों की रहेगी, उसके बाद वो सरकार कहीं ना कहीं खत्म हुई, उसके बाद ये तीन दलों की सरकार बनी। अब तीन दलों की सरकार जब से बनी है तीन अलग अलग विचार हैं, कई बार सवाल या निशान उठते रहे हिंदुत्व को लेकर शिवसेना के, उस पर भी उन्हें जवाब देना था, तो कई ऐसे मुद्दे थे, खास करके जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के लोग इस बात को भी लेकर नाराज थे कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से हो रही है, अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, इस तरह की बंद आवाज़ भी साफ तौर पर लगातार उठती रही है, उसका भी एक साफ तौर पर नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाराजगी एक साथ थी, उसी का फायदा उठाया गया, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे उन्होंने अपनी भूमिका रखी और जिस तरह से उन्होंने पार्टी में अपनी रणनीति तय करने के लेकर वो काफ़ी जाने माने काम कर चुके हैं, इससे पहले भी कई ऐसी वक्त आ चुका जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी को अलग सिचुएशन से निकाला, अब ऐसे वक्त में जब उन्होंने ही पार्टी को झटका दिया, एकनाथ शिंदे आगे जाके क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी सबका नजर रहेगा। शुक्रिया वसीम आपकी सब जानकारी के लिए। पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा पूर्वतन टीएमसी नेता जसवंत सिन्हा एवं विरोधी दलर राष्ट्रपति प्रार्थी, मिलित विरोधी बैठक में जसवंत ना चूड़ांत होई, विरोधी मिलित प्रेस मीट्रे ना घोषणा कर 27 तारीख में नामांकन पत्र दाखल करेंगे जसवंत। विरोधी दलर गत बैठक पूर्व तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बानाजी एनसीपी मुख्य शरद पवार को राष्ट्रपति प्रार्थी होगा प्रस्ताव देते, किंतु पवार यह प्रस्ताव को ग्रहण करने मना कर सक्रिय राजनीति में रही चाहूबार से यह निष्पत्ति। या व्यतीत गोपाल कृष्ण गांधी नाम चर्चा को आसीला, हेले एवं पूर्वतन केन्द्रमंत्री जसवंत सिन्हा को प्रार्थी करने निष्पत्ति मिलित विरोधी। राष्ट्रपति निर्वाचन संपर्क अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक संदीप मिश्र आम सहित जोड़ुछन्ते। श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करी, विरोधी तो वर्तमान कार खोली देइछन्ते एवं एक शक्त कार खोली कि जहां बीजेपी एनडीए अड़ुआ सृष्टि करि पारे। এটা গোটে নিহাতি গোটে ইউনাইটেড অপোজিশন যে ক্যান্ডিডেট দিয়েছেন যশবন্ত সিনহাঙ্কর, এটা গোটে স্ট্রাটেজিক মুভ বলে মু কইবি, কারণ সে যশবন্ত সিনহাঙ্কর আপন পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড জানছেন, সে জনতা পার্টিরে ছিলে, জনতা দলরে ছিলে, তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টিরে বি বহুত বর্ষ ছিলে, দলর স্পোকস পারসন ছিলে, অর্থমন্ত্রী ছিলে, বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে কাম করছিলে ভারতীয় জনতা পার্টিরে, ও যে ভারতীয় জনতা পার্টিরে मोदी आसला परे से गोटे एंटी मोदी स्टैंड नहीं कि मोदी को बहुत
समालोचना करथिले जदियो तांकर पुत्र जयंत सिन्हा मोदी सरकार रे मंत्री थिले 2014 रु 2019 पर्यंत किंतु जसवंत सिन्हा दल को छाड़ी देथिले आ परवर्ती समय रे से तृणमूल कांग्रेस रे जोग देथिले से जने बर्षियान नेता मंत्री रही आसछंती आईएएस ऑफिसर वगैरह तंकर कैरियर आरंभ करथिले तंकर जने दक्ष प्रशासक बोली से तंकु निज को प्रतिपादित करिछंती सो गोटे मु भाबुछि जो 2024 निर्वाचन उपरे जो गोटे विरोधी मेंट गोटे करिया को जो चेष्टा करा जाउछि जो तरे ममता बनर्जी गोटे प्रमुख भूमिका नउछंती गोटे मेसेज क्रिएट करिया को चेष्टा करछंती कारण आज जो स्टेटमेंट जयराम रमेश पढ़िले से आपण देखिथिबे से सेक्युलर आउ कॉन्स्टिट्यूशन को केमती प्रोटेक्ट करा जीवो गणतंत्र को केमती प्रोटेक्ट करा जीवो ए सब गोटे गोटे तांकर नैरेटिव जोटा किसी होय तो एनडीए सरकार विरुद्ध आपण मने करूचंती कि एनडीए सहित जे छोट दल हो बा जे दल माने सहयोगी दल माने अतीत रे थिले बा वर्तमान अछंती से दल मानन को ऊपर गोटे बड़ प्रभाव पकेबे कि जसवंत सिन्हा जेतु से आगुरु बीजेपी रे थिले एनडीए सरकार वाजपेयी सरकार रे से मंत्री थिले ता पूर्वरु जेतले चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थिले सेतबेले भी से अर्थमंत्री थिले तांकर विभिन्न कांटेक्ट्स अछि बीजेपी भीतर भी तांक पुओ एबे भी एमपी अछंती तो नियाती गोटे से बडे गोटे कैंडिडेट को दिया जाय छि जे कि हुए तो एनडीए भीतर भी गोटे फाट सृष्टि करिया को हुए तो चेष्टा करिवे मु भाबुनी निर्वाचन परे प्राय से एनडीए प्रार्थी को समर्थन करी आछंती बीजेपी सरकार को विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विषय रे समर्थन करिछंती जे जदि प्रार्थी किए हुए तो सी दल तांकर एनडीए सहित जिबे कि ऑपोजिशन सहित जिबे सेटा क्लियर नै किंतु जा आपातत जणा पडुछि से एनडीए सहित जिबार चांसेस अधिक रहिब किंतु ता सत्व एनडीए गुटे कड़ा मुकाबला बा प्रतिद्वंदिता दबा पई प्रस्तुत कहिले अतुक्ति हेबो नाही धन्यवाद दास श्रीजुक्त मिश्र हम सहित आलोचना करथिबा पई ब्रेक पर स्वागत अग्निपथ निजुक्ति प्रक्रिया रे हबनी कोनोसी परिवर्तन एने सूचना देछंती सेना मामलारे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनेंट जनरल अनिल पुरी से कहिछंती जे आसाई मानंक ठारु केवल गोटिए चुक्तिपत्र नियाजिबो जेउथरे से लेखिबे जे अग्निपथ योजना को विरोध करी होइथिबा भंगारुजारे से सामिल नाहंती तेबे अग्निपथ योजना माध्यमरे सेनारे तीनिटी जिनिसकु संतुलित करिबा पई चेष्टा करा जाइछि प्रथमटी होछि सेनारे युवक मानंकु अग्राधिकार द्वितीय रे प्रजुक्ति विद्या उपरे ज्ञान थिबा युवक एवं तृतीय रे सेनारे सामिल हेबाकु अनुकूल लोक अन्यपटे यहाँ नहीं विरोध करुवा लोकों परामर्श दे अनिल पुरी कहते जे यह सेनार मामला एवं पुराणा जवान को अग्निवीर योजन में सामिल करा जीवा नहीं जो तथ्य दि जाऊँगी भूल तथ्य बोली से कहते कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के वैसे रखे गए हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं है पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे इसमें कोई किसी को और ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहाँ बिठाया है उनके लिए है कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं ये हमारी जिम्मेदारी है मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु स्टैंड टॉल विथ हिज हेड हेल्ड हाई विथ हिज पीयर्स एनीवेयर इन दिस कंट्री इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एथॉस ऑफ मिशन ऑलवेज I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat-worthy and combat-ready. हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में
और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है आईएनएस चिल्का उड़ीसा में वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमारा अभी तक का विजन है और इसको हम मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे। नजर पकड़ वर्तमान समय एक बड़ खबर उपर वर्षा अनुभव पारिवारिक विवाद मामलों पुणी ट्विस्ट अनुभव को घरे रहिबे वर्षा एसडीजेएम को राय उपर अंतरीण रोक लगाई जिला जज कोर्ट भड़ाघरे रही पूर्व निर्देश देते एसडीजेएम कोर्ट और वर्तमान समय बड़ खबर वर्षा अनुभव पारिवारिक विवाद मामलों पुणी आसी एक नुआ ट्विस्ट पूर्व अनुभव को घरे न रही वर्षा को कहुला अनुभव 30,000 टंका मासिक वर्षा को पैठ करार किंतु एसडीजेएम को राय उपर अंतरीण रोक लगाई जिला जज कोर्ट भड़ाघरे रही निर्देश पूर्व देते एसडीजेएम कोर्ट मासिक भड़ा 30,000 टंका देवाई अनुभव को निर्देश दिया जाइथिला किंतु से निर्देश उपर रोक लगा जाइछि। अधिक सूचना पाई हम स्पेशल करेस्पोंडेंट नवेश महांती हम सहित जोड़ुछंती। नवेश अपडेट कौन अच्छी सूचना कौन आसी वर्तमान एसडीजेएम कोर्ट निर्देश देते जे वर्षा को निर्देश देते से अनुभव का घर छाड़ू और निर्देश होता 30,000 टाँग मसक वर्षा प्रति मस तारीख पूर्व पैसा देवे से आम कही वर्षा पाखे अप्सन रही से अपर कोर्ट को जाती किंवा सेम कोर्ट में आउ गोटे रिव्यू पिटिशन दाखल करसा सेकेंड अप्सन को आवेदन सेकेंड अप्सन को गले अपर कोर्ट अर्थात जिला दरा जज कोर्ट में आज ही पिटिशन टे फाइल कले पिटिशन फाइल करू करू ही वर्षा पक्षे कोर्ट राय दे जहाँफर की बर्तमान कोर्ट का परवर्त निर्देश न आसा पर्यंत वर्षा अनुभव घरे ही रही एवं जो मासिक 30,000 टंका दिजा कथा से प्रसंग होगा एसडीजेएम कोर्ट उपर कोर्ट राय पर जो रोक लगेगा आम आलोचना करूँ ग्रीष्म तेल अनुभव वकिल से एक सूचना देते आज ही से मामला टी फाइल है नोटिस हो सारी मामलार पर शुणा जुलाई 4 तारिख में अच्छी 4 तारिख दिन जहां अनुभव वकिलों को कह कथा जुक्ति उपस्थापन से दिन कोर्ट में कहे वास्तविक जो प्रसंग विहीन रही निर्देश तेणु अपेक्षा कर जुलाई 4 तारिख में कोर्ट कौन निर्देश दौंस और वास्तविक अनुभव घर वर्षा वर्षा वकिल कौन कहते वर्षा तेल बर्तमान पुणी थे फेरी आसे देखते वर्षा बर्तमान सुधा भी अनुभव घर छाड़ी ना विभु बर्तमान भी वर्षा अनुभव नंदी साई स्थित बासभवन में ही रोचार गत मस क्षमा कर चलित मस तारीख दिन अनुभव एसडीजेएम कोर्ट को आसी 30,000 टाँग मासिक पैठ करने नहीं कोर्ट जो निर्देश देते तार टंका डिपोजिट होता नहीं स्लिप को दाखल करते कोर्ट में व्यक्तिगत हाजर होदेश देते कथा कही अनुभव वकिल सह आम आज सका भी जहां आलोचना करूँ से आसंता मस 10 तारिख भी टंका डिपोजिट करवा कथा कहते कि पूर्व कोर्ट को निर्देश आसी कोर्ट को परवर्त निर्देश अर्थात जुलाई 4 तारिख पर ही जहां किसी कहुपर जी जुलाई 4 तारिख पर कोर्ट का निर्देश जो रही अंतरीण रोग ताद हटव तेज ठीक अच्छी जदि कोर्ट से बहत रखे तेज वर्षा परवर्त शुणा जेपर् नईजा परवर्त जेपर्यंत कोर्ट का निर्देश न आती से पर्यंत अनुभव नंदी साई स्थित बासभवन रे अनुभव जो आशा थी परिवार लोकों सहित से निज नंदी साई स्थित पैतृक बासभवन को फेरवे से आशा तक निर्देश ऊपर रोक लगाई वर्षा वकिल कौन सब जुक्ति बाढ़ी कौन सब कही देखो वर्षा वकिल सहित आम जोजग रु कि प्रतिक्रिया पर्यटन मिल पारि ना जहां अनुभव वकिल सहित आलोचना करूँ कह मुताबक किसी जुक्ति उपस्थापन करेतु प्रथम दिन ही पिटिशन फाइल हो कोर्ट निर्देश देते विशेष विस्तृत भाव जना पड़ी नहीं वास्तविक पिटिशन रे से कौन उल्लेख करते तेणु अपेक्षा करडर कपि अल्प किस खबर उपर नजर रखि था परवर्त समय निश्चय अपडेट आपको फेरबू धन्यवाद बर्तमान समय सूचना नवेश। महिलाओं विरोध में हरासमेंट बा उत्पीड़न बंद पर सचेतनता करने लक्ष्य ट्रू कलर सहित पार्टनरशिप न्यूज 18 नेटवर्क देशव्यापी एक अभियान चलाई देशर कोण अनुकोण में गोटे कथा पहुंचाइबा यह अभियान लक्ष्य ताला कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके आमर परवर्ती लक्ष्य ओडिशार महिला सुरक्षा एथिपाई गोटे मंच में एकाठी हे नीति निर्धारक आईन प्रणयनकारी सेलिब्रिटी और राज्यर प्रभावशाली महिला कॉल इट आउट ओडिशा टाउन हॉल रे से माने
महिला विरोध में हरासमेंट बा उत्पीड़न बंद पर निजर मत रखे कॉल इट आउट ओडिशा टाउन हॉल जून 22 तारीख संध्या 6 टू सीएनएन न्यूज 18 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीधा सड़क देखिपारे।